मुझे लो बेटा चाय। ले लो, ठंडी हो जाएगी। आफरीन, तुमने अपने घर बेटा कब तक जाना है? अब आपको मेरे यहां रहने से भी मसला है? ऐसी बात नहीं है आफरीन, तुम्हारा अपना घर है, जब दिल चाहे तुम यहां रहो। मैं तो इसलिए कह रही हूं कि तुम्हारा शौहर बीमार है, बिस्तर पर है, उसे जरूरत है तुम्हारी। तो वो तो पिछले एक महीने से बिस्तर पर है, क्या उनकी वजह से मैं अपनी जिंदगी जीना बंद कर दूं? ऐसे नहीं कहते आफरीन, वो तुम्हारा शौहर है और उसकी खिदमत करना तुम्हारा फर्ज है बेटा। अम्मी, मैं फर्ज निभाते निभाते थक गई हूं, इसीलिए तो वहां से यहां चली आई, उस सब झमेले से दूर। बुरी बात है, अपने शौहर को किसके आश्रय पर छोड़कर आई है? ना वहां पर उनकी दूसरी बीवी रानिया, उसको भी तो पता चले कि बिस्तर पे पड़े हुए शौहर की खिदमत कितनी भारी पड़ती है। आफरीन, अपने घर को अपने हाथों से आग लगा रही हो बेटा। कौन सा घर अम्मी, मैंने तो बड़ा घर देखकर शादी की थी, लेकिन वहां जाकर तो पता चला सभी उल्टा है। आपको पता है घर भी बेचने वाले हैं वो लोग। क्या मतलब है तुम्हारा? घर नहीं रहेगा तो शौहर को भी छोड़ दोगी? कैसी बातें कर रही हो, अपनी सोच को बदलो। मियां बीवी का रिश्ता चीजों से थोड़ी जुड़ा होता है, मियां बीवी का रिश्ता वफा और मोहब्बत से जुड़ा होता है। अम्मी, मैंने बहुत कोशिश की वकार से मोहब्बत करने की, कॉम्प्रोमाइज भी किया, लेकिन वकार जैसे खुश्क इंसान के साथ रहना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन चलो, मैंने अपना दिल ठंडा कर लिया कि अच्छा बड़ा घर तो है आखिर, तो वो भी नहीं बचा। वहां पे भी इसी घर वाले मसले शुरू हो गए। बिजली के बिल के ऊपर बातें हो रही हैं, घर में खर्चा कम करने पे बातें हो रही हैं, महानूर और रानिया मासी के काम कर रही हैं। मेरा गुजारा नहीं है, आपको मालूम है ये बात। आफरीन, कहने के तो तुम दोनों मेरी बेटियां हो, लेकिन महानूर तुमसे बहुत अच्छी बेटी है। इस बुरे वक्त में भी वो अपने शौहर के शाना बशाना खड़ी है, और तुम यहां बैठ के हालात का रोना रो रही हो। मुझे महानूर से ना मिलाए अम्मी, वो महानूर है, मैं आफरीन हूं। सारा मूड खराब कर दिया। अल्लाह ही हदायत दे इस बच्चे को।